आजकल तो इनके मालिक बैठते भी नहीं है। अब तो पैसे वाले कैब क्यों बैठे। तो आई गेस तन्वी दिस साइड फ्रॉम वेजी बाजी और आज हम लोग जाने वाले हैं यमी यमी कचौड़ी खाने वाले हैं। हम लोग खस्ता कचौड़ी खाएंगे और ऐसी कचौड़ियाँ खाएंगे जो आपने मोस्टली शायद कभी नहीं देखी होगी। तीन अलग अलग लोकेशन पर जाएंगे। ये वाली जो सीरीज़ होने वाली है आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है, फूड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी सीरीज़। काफ़ी लोगों के कॉमेंट्स आ रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए खासकर, क्योंकि एकदम इकोनॉमिकल यहाँ पर खाना मिलता है। इस सीरीज़ का पूरा कॉन्सेप्ट यही है, एकदम सस्ता और यमी खाना और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अराउंड, ताकि सारे जो भी कॉलेज के बच्चे हैं आराम से जाके ईजिली एक्सप्लोर कर सके। तो यहाँ पे हम लोग आज जाने वाले हैं कमला नगर में, हम लोग जाने वाले हैं सिविल लाइन्स में और प्रशांत विहार में। तीन बहुत ही यमी कचौड़ियाँ खाने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो के अंदर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो सबसे पहले लाइक कर दो और कुछ बढ़िया सा कॉमेंट कर दो और फिर वीडियो के अंदर चलते हैं। इन 3, 2, 1 एक सेकेंड रुको, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट करके फिर वीडियो के अंदर चलते हैं। गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैंने अभी अभी रिसेंटली एक एप्लीकेशन भरी थी जो है जागृति यात्रा की। बेसिकली जागृति यात्रा क्या होती है, एक 15 दिन की ट्रेन राइड होती है अक्रॉस इंडिया, जिसके अंदर अलग अलग सिटीज़ में जाते हैं एंटरप्रेन्योर्स और साथ में रोल मॉडल्स होते हैं, और मिशन रहता है कि इंडिया को डेवलप करना है। और ये सोच रहती है कि अगर हमने रूरल इंडिया को डेवलप कर लिया तो हमने पूरे इंडिया को एक तरीके से डेवलप कर लिया। इसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ पर जाके आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो मुझे आपके कॉन्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। डिस्क्रिप्शन लिंक्स होंगे, उनको चेकआउट करना keto.org/tanmay@yatra। जितना भी अमाउंट हो सके कॉन्ट्रीब्यूट करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। आप लोगों के सपोर्ट से मुझे उम्मीद है कि वो केटो वाला पेज पूरा फंड हो जाएगा और मैं फिर इंडिया ट्रैवल कर पाऊँगा जागृति यात्रा के साथ। और वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है गाइस, मैं आपके सपोर्ट की वेट करूँगा। और चलते हैं आप वीडियो के अंदर। आज आया हूँ कचौड़ी खाने सिविल लाइन्स के पास, जगह का नाम है फतेह की कचौड़ी, बहुत ज़्यादा मशहूर कचौड़ी वाला है। बिना किसी देर के खाना स्टार्ट करते हैं और मेरे सामने ये कचौड़ी आ चुकी है, बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है। क्या है ये, खस्ता कचौड़ी है। इस पे जो मटरा कुलचा वाला जो छोला होता है वो है, धनिया अदरक प्याज मीठी चटनी काफ़ी सारी चीज़ें मसाला डाला हुआ है और इसको आप खाते हैं। मैं खा चुका हूँ वैसे यहाँ पे बहुत बार, क्योंकि मेरा कॉलेज यहीं पास में था तो हम लोग क्या करते थे, हम लोगों को आधे घंटे का जब भी गैप मिलता था तो हम लोग यहाँ पे आके खाने लग जाते। तो मैं आपको एक बार की कहानी बताता हूँ। तो हम लोगों के दो लेक्चर थे और फतेह की कचौड़ी थी, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा गड़बड़ की बात पता क्या रहती है कि इसके टाइमिंग बहुत उल्टे सीधे हैं। ये आते हैं 11:30 बजे और 2 बजे तक इनका सब खत्म हो जाता है, तो आपको काफ़ी अपना दिन में टाइम निकाल के आना पड़ता है। तो हम लोगों ने सोचा कि अब लेक्चर अटेंड करें या फतेह की कचौड़ी खाए, तो हम लोगों ने दो लेक्चर छोड़े और आराम से दो दो प्लेट फतेह की कचौड़ी खाई। आप अपना नाम बताएंगे जी? हरीश सोनी। हरीश जी आप खाते रहते हैं यहाँ पे? आते रहते हैं इधर। आपसे बात कर रहे थे अभी, आपने बताया कि आप यहीं इसी स्कूल में, यहाँ से हम लेते थे पत्ते वगैरह सब कुछ टाप के खाते थे। तो कितने साल हो गए इनको? सर इनको साल तो मेरे ख्याल से 50 साल से ऊपर हो गए। हमने खाया, हमारे बड़े भाइयों ने खाया, वो जब से ये स्कूल बना है, जब से फतेह भाई का नाम है। कौन सा स्कूल है ये? ये श्री दिल्ली गुजराती समाज स्कूल। अच्छा, एक आप थोड़ा सा और एक चीज़ बताएंगे, लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है क्योंकि यहाँ पे दो तीन हैं शायद। ये वो मतलब सब कहते हैं ना, मगर यही है ना फतेह का। हाँ यहीं से वो तो यही कोना। अच्छा, यही यहीं से तो अंदर जो गली आती है। हाँ वाली है, एक गेट के बाहर भी लगते हैं।
वो वहाँ पे संजय स्कूल के बाहर बनता है, वो इनके भाई है, कजन है, नाम यही है, नाम यही है फतेह जैन। तो क्या आपको पसंद क्या आता है, क्यों ये थोड़ी यूनिक चीज़ है? यूनिक चीज़ है ऐसा कहीं नहीं मिले, क्योंकि इनके खुद का अपने अपने मसाले हैं और अपनी चीज़ है, क्वालिटी नंबर वन है। आडवाणी जी, मोदी जी, मोदी जी नहीं है ना, क्या बोलते वाजपेयी जी, वो भी इसके भाई साहब शौकीन थे। सब एक बार ऐसे चटपटा खाना खा लेते हैं ना, शौकीन हो जाते हैं सब भाई साहब। ये सब चीज़ें मिलेंगी पुरानी दिल्ली। हाँ तो ये भी दिल्ली, एक दिल्ली से ही एक तरीके का ही है। 50 से 60 साल हो गए हैं। अभी आपकी कौन सी पीढ़ी चल रही है? तीसरी पीढ़ी चल रही है हमारी। तो ये हमेशा से यहीं पे थी? ये यहीं पर है, हाँ, ये गली में या बाहर लुडलो गैसल स्कूल के पीछे। और तो आप ही के ही हैं? हाँ सब, यहाँ पे कचौड़ी मिलती है, छोला कुलचा मिलता है और कुलचा रोल मिलता है। कुछ एक चीज़ होगी ना जिसके लिए लोग बार बार आते हैं? थोड़ा डिफरेंट है कचौड़ी मटर के साथ, आपने कचौड़ी हमेशा आलू की सब्जी के साथ खाई होगी, तो थोड़ा डिफरेंट है। खट्टी मीठी चटनी, अच्छा। काफ़ी तरीके की, क्या क्या डलते हैं इसमें? इसमें काफ़ी आइटमें होती हैं, मतलब एक बार छोले के बाद छोले होते हैं, अमचूर की चटनी होती है, धनिया अदरक प्याज हरी मिर्च नींबू, बहुत चीज़ें होती हैं। क्या टाइमिंग्स रहते हैं आपके? 11 से 3 बजे तक। बिट्टू नाम है? बिट्टू। ओके, थैंक यू। तो अब हम लोग आ गए अपनी अगली लोकेशन पे, जहाँ पे हम लोग सेम चीज़ खाने वाले हैं बट किसी और जगह की। हम लोगों ने पहले खाई फतेह की कचौड़ी सिविल लाइंस पे, अब हम लोग आ गए हैं रोहिणी में, हम लोग खाने वाले हैं खस्ता कचौड़ी और छोले। तो चलते हैं, आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कैसे बनते हैं और क्या उसका टेस्ट रहता है। आ जाओ मेरे साथ फटाफट। आप देख सकते हैं इनके मटर कुलचा वाले जो छोले हैं वो, और उसके नीचे खस्ता कचौड़ी है। मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, पहले आप इसको देखिए, इसके अंदर इन्होंने छोले डाले हुए हैं, फिर मेरे को यहाँ पे इनका बीटरूट दिख रहा है, और यहाँ पे प्याज और जिंजर और धनिया और बहुत सारी अलग अलग सौंठ की चटनी और पुदीने की चटनी, काफ़ी लोडेड लग रहा है, मतलब जैसे मैक्सिकन्स का लोडेड नाचोस होता है, ये हमारा लोडेड छोला कुलचा वाला छोले और खस्ता कचौड़ी है। और इसको टेस्ट करके बताते हैं कि ये खस्ता है ये बढ़िया है, फतेह की कचौड़ी बढ़िया है। तो ये जो कचौड़ी है बहुत खस्ता है और छोले भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। दिस इज़ लाइक अ फतेह की कचौड़ी कॉपी, बट अगर आप रोहिणी में हो और आप रोज़ रोज़ सिविल लाइन्स नहीं ट्रैवल कर सकते, तो दिस इज़ ऑलमोस्ट 80% ऑफ फतेह की कचौड़ी, एंड फॉर द प्राइस दिस इज़ वेरी रीजनेबल, ऑलमोस्ट उसके जैसा है। बट क्योंकि मैं रोहिणी में रहता हूँ और मैं रोज़ रोज़ सिविल लाइन्स नहीं जा सकता, तो मेरा जब भी वो कॉन्सेप्ट खाने का मन करता है, वो जो कचौड़ी, जो मटरा वाली जो कचौड़ी होती है वो खाने का मन करता है, मैं यहाँ पे आके खा लेता हूँ। अगर आप वहाँ पे जा सकते हो तो नो डाउट दिल्ली का वो बेस्ट है, बट मैं आपको, मेरा काम है आपको ऑप्शंस देना और आपका काम है उसके अंदर से अपने लिए जो बेस्ट चीज़ आपको लग रही है वो चूज़ करना। तो अब चलते हैं, स्विच करते हैं फटाफट किसी और कचौड़ी वाली जगह पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑथेंटिक कचौड़ीज, जो ऑथेंटिक नहीं मतलब जो स्ट्रीट साइड कचौड़ीज मिलती है आलू वाली, वो कचौड़ी कैसी रहती है। खाते हैं शर्मा की कचौड़ी पे, स्विच करते हैं 3, 2, 1।
हम लोग आए हैं शर्मा कचौड़ी वाला पे और हम लोग खा रहे हैं कचौड़ी सब्जी। सो ये जगह कमला नगर में 20 रुपए में 5 पीस खस्ता कचौड़ी के देती है, विच इज़ अबाउट आलू की सब्जी के साथ, विच इज़ अबाउट दिस हाइट एंड, और इसके साथ आलू की सब्जी मिलती है और साथ में ये लोग एक खट्टी चटनी भी डालते हैं। तो अब इसको खा के देखते हैं कैसा लगता है। चलिए एक एक उठाते हैं कचौड़ी। चीयर्स। शर्मा जी की कचौड़ी अच्छी तो होगी, पर ये कचौड़ी जो है बहुत लाइट है। 5 कचौड़ी 20 रुपए में आपका आराम से पेट भर जाएगी। इट्स लाइक अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट और बहुत फटाफट मिल जाता है यहाँ पे। अराउंड आपको 2-3 मिनट वेट करना पड़ता है मुश्किल से, क्योंकि भीड़ इतनी रहती है यहाँ पे। बचपन से खा रहे हैं। अच्छा, बचपन से ही खा रहे हैं। हाँ। काफ़ी साल हो गए होंगे। हाँ, 15 साल हो गए होंगे। क्या नगर नंबर स्कूल पढ़ते थे ना। अच्छा, जब से खा रहे हैं भाई। तो क्या पसंद क्या आता है आपको यहाँ पे। कचौड़ी और वो चटनी, खट्टी चटनी डालते हैं जो। अच्छा, भीड़ तो बहुत लगी रहती है। हमने अभी खा के ही आ रहे हैं अभी। अच्छा, क्या लगाते थे। अच्छा, वो रेडी पे लगाते थे। अच्छा, आजकल तो इनके मालिक बैठते भी नहीं है। हाँ, अब इनके हो गए। रेडी ले दी, रेडी तो खुद ले ली थी, किराए पे दुकान दिला दी। अच्छा, और उसके बाद फिर तरक्की करते। तो मैंने जैसे आपको इस वीडियो में दिखाया है, हमने 3 कचौड़ियाँ खाई अलग अलग। फतेह की कचौड़ी जो काफी लोगों को पसंद है, सिविल लाइन्स में फतेह की कचौड़ी हम लोगों ने खाई। उसके बाद हम लोगों ने खाई शर्मा जी की कचौड़ी। अब भाई मेरा नाम भी शर्मा है पर मेरी कचौड़ी नहीं है, वो शर्मा जी को ही और है वो। शर्मा जी की कचौड़ी खाई हम लोगों ने, आलू की सब्जी वाली। और यहाँ पे हम लोग फाइनली एंड करा मेरे होम लोकेशन में, रोहिणी में। रोहिणी में एक और छोले कचौड़ी वाले भैया बैठते हैं, उनकी कचौड़ी मैंने आपको दिखाई। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्या रहा। आपका फेवरेट आप मुझे बताइए कॉमेंट करके कि आपका कौन सा फेवरेट रहा और आपने सबसे यूनिक कौन सी कचौड़ी खाई है। मैं एक और वीडियो ऊपर लिंक कर दूंगा जहाँ पे मैंने 2 और यूनिक कचौड़ी खाई थी। मैंने ढक्कन कचौड़ी खाई थी जिसको लोग हीरा की कचौड़ी भी बोलते हैं, और मैंने भोला शंकर की फ्रूट चाट कचौड़ी भी खाई थी। तो वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वेजिटेरियन खाने की तलाश की वीडियो में, और मैं चलता हूँ अब खाने की तलाश में। बाय बाय।